अच्छा हम इंट्रोडक्शन टू बिजनेस लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इसमें हमने पढ़ना क्या है कि बिजनेस किसको कहते हैं, ठीक है। तो बिजनेस किसको कहते हैं, एनी एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। ऐसी जो एक्टिविटी हो जिससे हमें प्रॉफिट हासिल हो उसे हम बेसिकली बिजनेस कहते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि हमें प्रॉफिट हो नहीं रहा तो उस चीज़ को हम बिजनेस कह देंगे, ठीक है। अगर हम वर्ड बिजनेस की बात करें, अगर हम देखें कि जो बिजनेस का वर्ड है ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, तो ये बिजीनेस यानी कि मसरूफियत से ड्राइव हुआ है हमारे पास, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं इंटरप्रियोनरशिप, ठीक है। इसको हम, ये एक फिनोमेना है जिसमें इन विच अ पर्सन सर्चेज फॉर एन अपॉर्चुनिटी एंड ट्राई टू वेल इट। क्या बता रहे हैं इसमें कि इसमें पर्सन जो होता है वो नई नई जो है ना अपॉर्चुनिटी जो होता है वो ड्राइव करता है कि मुझे किस तरह से फायदा हो सकता है इस बिजनेस में। जैसे हम अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी बिजनेस, जैसे हम कोई शॉप खोलते हैं, ठीक है। एक छोटा सी एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक शॉप खोलते हैं, उसमें हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हमें जो है वो प्रॉफिट हासिल हो। हम जो रजिस्टर होगा, मतलब अगर हमें पीछे से 80 का मिला है तो हम उसे 100 में सेल करेंगे, तो इससे हमें 20 रुपीज प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसी तरह मतलब जो बिजनेस मैन होते हैं वो भी नई नई अपॉर्चुनिटी जो है ईजाद करते हैं। आगे है बिजनेस के कंपोनेंट। बिजनेस के दो किस्म के कंपोनेंट है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री और कॉमर्स क्या है, बिजनेस के कंपोनेंट्स हैं। आगे हम जरा देखते हैं इंडस्ट्री और कॉमर्स को जरा वजाहत के साथ। इंडस्ट्री किससे कहते हैं, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। ये क्या है कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको ये दूसरी शक्ल में यानी मतलब करती है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी मतलब इंडस्ट्री है, जैसे हमारे पास कोई मेटल की इंडस्ट्री होगी, वो क्या करेंगे, मेटल लेंगे और उससे ना मतलब उससे बर्तन बना लेंगे, ठीक है। ये भी एक इंडस्ट्री का मतलब एक एविडेंस है। आगे देखें क्लास की यूटिलिटी के फॉर्म में उसे, जैसे हमारे पास लेदर की इंडस्ट्री होती है, फिर उसके अलावा बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री होती है जो वर्क कर रही है, ठीक है, चीज़ों को मतलब अब बनाते हैं, ठीक है। जैसे सर्जिकल इंडस्ट्री होगी, ये सारी इंडस्ट्रीज है। आगे टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री होती है और एक हमारे पास होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सबसे पहले हम प्राइमरी इंडस्ट्री को करेंगे, ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करती है चीज़ों को। अब एक्सट्रैक्ट क्या होता है कि चीज़ों को नीचे से निकालना, ठीक है, चीज़ों को खोदना। जैसे कि हम जमीन से कुछ स्टोन्स वगैरह निकालते हैं, उसमें से दिखाते निकालते हैं, ठीक है, थीके? वो प्राइमरी इंडस्ट्री का काम होता है। फिर जेनेटिक्स, पीपल डूइंग बिजनेस बाय चेंजिंग जीन्स, ये जीन्स में चेंजिंग करती है। इसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म वगैरह है, ठीक है। आगे अगर हम इसकी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करें तो सेकेंडरी इंडस्ट्री है, ये कंस्ट्रक्शन के काम करती है। कोई भी कंस्ट्रक्शन हो सकती है, छोटे से लेकर बड़ी तक कोई भी कंस्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है। जैसे हमें कोई ब्रिज बनाना है, कोई रोड बनाना है, कोई सड़क तमीज करनी है, कोई इवन की कोई घर भी बनाना है, तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का। मैन्युफैक्चरिंग, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड, ये भी रॉ मटेरियल लेती है और उन्हें कन्वर्ट करती है। आगे सर्विसेज देती है, बैंकिंग की, फिर लायर की, इंटीरियर डेकोरेटर की, डिजाइनर की, म्यूजिक की, कंपोजर की, ठीक है, ये सारी किसके काम होते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री करती है। आगे हम कॉमर्स के बारे में करें, ऑल दोज एक्टिविटीज विल स्टार्ट फ्रॉम द वेयर हाउस ऑफ द मैन्युफैक्चरर ऑफ द बायर। इसका बेसिकली काम ये होता है बाइंग करना या फिर सेलिंग करना, ये दो काम, या फिर ये चीज़ों को बाय करती है या फिर सेल करती है। आगे अगर हम कॉमर्स के देखें ना, ट्रेड आ रहा है, ट्रेड में हम क्या करते हैं, चीज़ों को सेल और बाय करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग। इंस्टीट्यूशन डेट आर मेंट एंड बिल्ट टू असिस्ट एंड सपोर्ट द ट्रेडिंग प्रोसेस, उसे हम कहते हैं, जो इसको मतलब सपोर्ट कर रहा है उसे हम कहते हैं एड टू ट्रेड। आगे हमारे पास इकोनॉमिकल सिस्टम होता है, ठीक है, फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज इकट्ठे करता है। इसमें इकोनॉमिकल सिस्टम हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक प्लैंड होता है और एक फ्री मार्केट इकोनॉमिक होता है। अगर जो प्लैंड होता है वो हुकूमत की तरफ से होता है, जो फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है वो हम खुद डिजाइन करते हैं, ठीक है। आगे इन्वायरमेंटल फोर्सेज जो होती है वो एक्सटर्नल होती है और कुछ इंटरनल होती है। इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल जो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सटर्नल जिनको हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते वो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है।
आगे हमारे पास अगर कोई एनालिसिस है, वो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वीकनेस है, इसकी कुछ अपॉर्चुनिटीज होती है, कुछ ट्रैप्स भी होते हैं, कुछ धमकियां भी होती है, ठीक है, जो इसके बेसिकली